क्या हुआ? रनिंग स्टेमिना नहीं है, रनिंग स्पीड नहीं है, फिजिकल सामने है, एथलेटिक्स की तैयारी करते हो? कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे रनिंग स्टेमिना और स्पीड को इम्प्रूव करें। पेट में दर्द होता है रनिंग करते वक्त, हाथ लॉक हो जाता है, स्पीड नहीं दौड़ पाते हो, कोई बात नहीं, आज एक्सरसाइज, डाइट, सप्लीमेंट, वर्कआउट सब कुछ कंप्लीट वीडियो है, सीक्रेट भी तरीका है कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? तो बस आपको क्या करना है, पूरी वीडियो में बने रहना, पूरा वीडियो देखना है। तो आप सभी का स्वागत है रनिंग वाला में। मैं विकास, 400 MTR प्रोफेशनल एथलीट, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और भी बहुत सारे गेम की एक्सपीरियंस, एनी टाइम स्टेट मेडलिस्ट, और मैं आज बताने वाला अपने एक्सपीरियंस के नाते कि आप किस तरह से अपनी स्टेमिना और स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पीड और स्टेमिना दोनों मिल के बन जाता है स्पीड एंडोरेंस। तो हमारे बॉडी में स्पीड एंडोरेंस कैसे आएगा? तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, उसके लिए आपको प्रॉपर वर्कआउट करना पड़ेगा, रनिंग एक्शन सही करना पड़ेगा, डाइट सही लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, डेली परफेक्ट वर्कआउट करना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। बिगिनर्स हो, नए नए हो, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए सेम है, ठीक है? तो एक एक करके डिटेल में आपको लेके चलते हैं पूरे वीडियो के अंदर, और वीडियो में बताते हैं एक एक करके डिटेल में कि कैसे आपका ये सब कुछ इंक्लूड होके कैसे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। जो हमारे बिगिनर्स देख रहे हैं उनके लिए है कि रनिंग कैसे स्टार्ट करना चाहिए। जैसे आप रनिंग स्टार्ट किए उससे पहले आपको कुछ लाइट स्ट्रेचिंग करना है। क्या करना है? कुछ लाइट स्ट्रेचिंग करना है। किस तरह से करना है, स्ट्रेचिंग में क्या क्या स्ट्रेचिंग करना है वो बताते हैं। जो भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपके मसल्स को अगर स्ट्रेच ना किया जाए, अगर आप जैसे सुबह उठते हो, रनिंग करते हो और तुरंत वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हो तो आपके मसल्स में क्रैम्प आ सकता है। इसके चलते हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मैं आपको जो प्रॉपर बता रहा हूँ इसे होल्ड कर करके करें, जल्दीबाजी में ना करें, थोड़ा होल्ड करना है, धीरे धीरे करना है, ठीक है? मसल्स में खिंचाव नहीं आना चाहिए, एकदम धीरे धीरे होल्ड करके जैसे कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपको भी फॉलो करना है। लाइट स्ट्रेचिंग करने के बाद आपको धीरे धीरे रनिंग करना है। कैसे करना है? धीरे धीरे रनिंग एक्शन कैसे रखना है वो आगे आपको बताते हैं। धीरे धीरे आपको कंटिन्यू कम से कम 1 से 2 वीक रनिंग करना है। 1 से 2 वीक रनिंग करने के बाद आपके बॉडी में खुद फील होगा। रनिंग सिर्फ नहीं करना है, रनिंग के अलावे एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे स्पीड के लिए? आपका रनिंग करने से स्टेमिना बढ़ रहा है, एक्सरसाइज क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे और स्पीड के लिए स्पीड ड्रिल करेंगे। कौन कौन सा एक्सरसाइज करेंगे वो भी बताते हैं, कौन कौन सा स्पीड ड्रिल करेंगे वो भी बताते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज पहले जानते हैं कि हम लोगों को डेली 10 से 15 से 20 मिनट आप जो भी रनिंग कर रहे हो उसके बाद हमें कौन कौन सा एक्सरसाइज फॉलो करना चाहिए। एक्सरसाइज इसलिए करना है क्योंकि आपके एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपके मसल्स एक्टिव हो जाएंगे, फिर आपका वर्कआउट करने के लिए मसल्स रेडी हो जाएगा, फिर आप अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो। जो भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ उसे 15 से 20 सेकंड करना है, 2 सेट में करना है, एक बार कर लिए फिर से एक बार, मतलब दो बार करना है हर एक एक्सरसाइज को। ये सब एक्सरसाइज आप घर में भी कर सकते हैं, रोड में भी कर सकते हैं, ग्राउंड में भी कर सकते हैं, आप जहाँ चाहो वहाँ कर सकते हो, जैसे बता रहा हूँ बस वैसे कर लो। तो अभी मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज बताया, वो एक्सरसाइज आपको प्रॉपर फॉलो करना है, जैसे बताया हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको रनिंग करने के आना है, रनिंग करने के बाद आपको वो एक्सरसाइज करना है। अब आइए आपको हम स्पीड ड्रिल बताते हैं जो हमारी स्पीड को इम्प्रूव करेगा। आइए, तो ABC ड्रिल की पहली एक्सरसाइज होती है मीनिंग हाइनिंग। मिनी हाइनिंग कैसे होता है, जैसे मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, बिल्कुल स्लो मोशन में आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इसमें क्या होता है, हाथ और पैर एक साथ अल्टरनेट चलती है, आपको अपनी बॉडी को स्टेबल रखना है और अपने टो से हाइनिंग करना है। इससे क्या होगा, आपके पैर में पावर भी आएगा प्लस आपके बॉडी में करंट पैदा होगा जिससे आप स्पीड रनिंग कर पाओगे। अभी जो एक्सरसाइज देख रहे हो ये एक्सरसाइज आपके स्टेप को इम्प्रूव करेगी, आपके जंप को इम्प्रूव करेगी। ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल ऐसा ही फॉलो करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। आप पैर और हाथ की अल्टरनेट एक्सरसाइज देख सकते हैं, हर एक एक्सरसाइज मैं आपको स्लो मोशन में दिखा पा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज को आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एक्सरसाइज करोगे प्रॉपरली जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही, देख सकते हो मेरे टो किस तरह से नीचे पड़ रही है, इस तरह से आपकी भी टो पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा पैर सही नहीं होगा तो हमारा रनिंग एक्शन भी सही नहीं होगा। ये ABC ड्रिल सिर्फ स्पीड ही नहीं आपके रनिंग एक्शन को भी इम्प्रूव करती है। जैसे अभी टप 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 जिस तरह से हो रहा है, एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखना है, 3 बार देखना है, पर बिल्कुल जैसे कर रहा हूँ वैसा ही करना है।
इसमें क्या है, जितनी फास्ट फास्ट लाके होल्ड करना है, फास्ट लाके होल्ड करना है, बैक किक करना है। बैक किक कैसे करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ देख सकते हैं, बैक किक आपको टच नहीं करना है, टो पीछे हिप में टच नहीं होना चाहिए। जंप देखिए टो से किस तरह से जंप कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रेट जंप, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। देख सकते हैं किस तरह से बाउंडिंग जंप कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी करना है टो के ऊपर। रनिंग एक्शन हमेशा रहेगा, हाथ कैसे रहेगा, रनिंग एक्शन के मूवमेंट में रहेगा। ये क्या सिंगल पैर हैंडिंग, किस तरह से स्कीप है, इस तरह से आपको करना है जिस तरह से कर रहा हूँ। सिंगल पैर देख सकते हैं, हाथ और पैर दोनों एक साथ चलना चाहिए, स्ट्रेट लेग बिल्कुल ऐसा ही करना है। ये था पूरा ABC। तो अभी हमने आपको बताया स्पीड ड्रिल के लिए क्या हमें ABC ड्रिल करना चाहिए। आपको जितना ABC ड्रिल बताया गया है, हर एक ABC ड्रिल को दो दो सेट करना है, परफेक्ट मैं जैसे बताया हूँ वैसा ही करना है, ठीक है। इतना करोगे तो आपके बॉडी में स्पीड भी आएगा, एंड्योरेंस भी आएगा। अगला टॉपिक आपका क्या है कि आपको रनिंग एक्शन कैसे रखना है। रनिंग एक्शन में सबसे पहला टॉपिक क्या है कि रनिंग एक्शन में जब आप रनिंग करते हो तो आपको देखना कहाँ है, आपको नीचे सामने की तरफ देखना है, सिर्फ आपने रनिंग करने से 5 मीटर में। उसके बाद हमारा हाथ, जो हमारा हैंड मूवमेंट है, ये जो हैंड मूवमेंट है कैसे चलेगा, आप अभी बगल में देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, ठीक है। प्रॉपर आपको हाथ चलाना है, ना ही ज़्यादा, ज़्यादा चलाओगे क्या होगा, जल्दी थक जाओगे, कम चलाओगे क्या होगा, हाथ नहीं चलेगा पैर चलेगा, उससे क्या होगा, उससे साइड इफेक्ट आएंगे। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर इस तरह से करना है। आपको अपनी चेस्ट बॉडी एंगल किस तरह से रखना है, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट रखना है, ना ही आगे की तरफ झुकाना है, ना ही पीछे की तरफ झुकाना है, ठीक है। कमर किस तरह से रखना है, नॉर्मल सीधा रखना है। पैर किस तरह से चलेगा, आइए देखिए, पैर बिल्कुल इसी तरह से चलेगा, सीधा सीधा, ना ही पीछे ज़्यादा, ना ही आगे ज़्यादा, नॉर्मल। आप अभी विग्नर्स और जो प्रोफेशनल है उनके लिए भी नॉर्मल इसी तरह से पैर चलेगा। आप 100 मीटर दौड़ रहे हो या फिर 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो या 1600 मीटर दौड़ रहे हो, जैसे बता रहा हूँ वो फॉलो करेंगे, स्पीड और एंड्योरेंस दोनों कुछ आ जाएगा। तो आइए अब आपको हम प्रॉपर वर्कआउट बताते हैं। वर्कआउट बताने से पहले आपको प्रॉपर डाइट और सप्लीमेंट बता देते हैं, क्या चाहिए एंड्योरेंस के लिए, प्रोटीन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ चाहिए। तो सब कुछ किस में मिलेगा, डाइट में मिलेगा। तो डाइट में हमको क्या खाना है, आइए बताते हैं आपको। अगर डाइट की बात की जाए ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट में आप क्या खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में पहला नंबर आपको ओट्स या दलिया खाना है, दूसरा रोटी खाना है, तीसरा चना, गुड़, मूंग, चौथा पिस्ता, बादाम, काजू, ड्राई फ्रूट्स, आपके अनुसार आपको जो योर चॉइस जो मन करे वो खाना है, ठीक है। दूध पीना है, अंडा खाना है, केला खाना है, सेब खाना है, ये सब चीज़ आपको सुबह लेना है, सुबह डाइट में, याद रखिए। दोपहर में क्या खाएंगे, दोपहर में आपको खाना है नॉर्मल घर में जो खाना बनता है, घर का खाना। रात में क्या खाना है, रात में दूध रोटी जो मिले वो खा लेना है। लेकिन डाइट में किससे दूर रहना है, आपको ऑयली फूड से दूर रहना है, बाहर के सामान से दूर रहना है। डाइट आपको इसी तरह से फॉलो करना है जैसे बता रहा हूँ वही वही, ठीक है। अब क्या करना है आपको सप्लीमेंट में, अगर सप्लीमेंट की बात की जाए तो सप्लीमेंट में आपको मैं क्या बताता हूँ, सप्लीमेंट में देखिए सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए, हमारी बॉडी में कैल्शियम होनी चाहिए। तो कैल्शियम की आपको एक गोली लेनी है, उससे अच्छा क्या करना है आपको मल्टीविटामिन लेना है, मल्टीविटामिन में दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मल्टीविटामिन की गोली लेनी है, शिलाजीत लेना है, शिलाजीत क्या करेगा हमारी बॉडी में गर्मी पैदा करेगा, जिससे हम अच्छे से रनिंग कर पाएंगे, हमारा बॉडी अच्छे एक्टिव रहेगा, अच्छा काम करेगा, इसलिए लेना है। हमें अश्वगंधा लेना है, क्या काम करेगा, हमारे श्वसन नली को साफ करके रखेगा, हम जिससे सांस अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ सप्लीमेंट में आपको लेने हैं, ये चीज़ फॉलो करोगे तो 100% आपका स्टेमिना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये जो बिगिनर्स हैं और जो प्रोफेशनल हैं दोनों के लिए वर्कआउट में बताता हूँ कि वर्कआउट आपको क्या करना है। वर्कआउट में देखिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको वन वीक कुछ नहीं करना है। सुबह आपको 30 मिनट रनिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, ABC ड्रिल करना है, छोड़ देना है, पुशअप सेटअप लगाना है, छोड़ देना है, ठीक है। और जो प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल है उनके लिए क्या है, 100 मीटर करते हो, 200 करते हो, 400 करते हो, 5 किलोमीटर करते हो, 10 किलोमीटर करते हो, या फिर किसी भी फिजिकल की तैयारी करते हो, किसी भी डिफेंस लाइन की, तो आपको क्या करना है, आप
पहले आप वार्म अप कीजिए अच्छे से 10 से 15 मिनट। वार्म अप करने के बाद लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर एबीसी ड्रिल करना है। एबीसी ड्रिल करने के बाद आपको क्या करना है, एबीसी ड्रिल करने के बाद अपने वर्कआउट की ओर जाना है। आपका जो भी वर्कआउट है, जो भी वर्कआउट है, उस वर्कआउट में रिपीटेशन लगाना है, 5 से 6 रिपीटेशन लगाना है। आप लगाते भी होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या करना है उसमें आपको रेस्ट टाइम कम कर देना है। अगर आपके बॉडी में स्पीड और एंड्योरेंस चाहिए दोनों चीज़, तो आपको अपने वर्कआउट के टाइम, जो वर्कआउट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको रिपीटेशन लगाना होगा और रिपीटेशन का टाइम कम कर देना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो बता रहा हूँ। वर्कआउट में जो प्रोफेशनल है उनके लिए, जो बिगनर्स है उनके लिए, 1 वीक सुबह शाम दोनों टाइम 30 मिनट कंटिन्यू रनिंग, देन एक्सरसाइज, देन एबीसी ड्रिल, 100% स्पीड बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो यही था प्रॉपर वर्कआउट, क्या करना है जो बताया हूँ उसी को फॉलो करना है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने पूरी वीडियो में देखा होगा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपकी स्टेमिना और स्पीड कैसे इम्प्रूव होगा। तो जो भी बताया हूँ बिल्कुल आपको उसे फॉलो करना है और बताना है कमेंट करके कि कैसे आपका इम्प्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको जो डाइट बताया हूँ वो प्रॉपर फॉलो करना है, जो सप्लीमेंट बताया हूँ वो प्रॉपर फॉलो करना है, जो वर्कआउट बताया हूँ वो प्रॉपर फॉलो करना है, जो आपको रनिंग एक्शन बताया हूँ उसी तरह से फॉलो करना है। सारा कुछ इंक्लूड है, बस आपको फॉलो करना है, आपका इम्प्रूवमेंट 100% होगा। कैसे सांस लेना है, क्या करना है, सब कुछ आपको बताए हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें इसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का रनिंग टिप्स देखने के लिए। रनिंग से रिलेटेड वीडियो ही सिर्फ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।